उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? चिन्नू भाग पुलिस! इस बार राणा अंदर नहीं जाना चाहिए, उसका टर्मिनेशन चाहिए। अब तू देख मैं तेरे वास्ते क्या क्या करता हूँ। चीनू का भय और आतंक इलाके के बाहर भी देखा जा रहा था, और एक दिन चीनू ने ऐसा कुछ किया कि सब देखते रह गए। तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं है, इनफैक्ट मैं भी नहीं। कि आप और आपकी धर्म पत्नी दोनों मिलकर इस Enough is enough, Mr. Rana. I'm just leaving right now and I don't care about your case over here. अरे बड़ा कड़क पांडू था बाबू भाई, आप सही टाइम पे आ गए। कबूतर भेज रहा हूँ, पिंजरे में रखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा। आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसीलिए जूरी ने सर्वसम्मति से आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया है। एक एक की ऐसी बजाऊंगा, देखते रहना। कल रात किसी ने पुलिस ऑफिसर रोमिल राणा के जांच अधिकारी सुभाष कुलकर्णी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है, पर सवाल ये है कि ये हत्या क्यों की गई? कौन है इसके पीछे? क्या कोई ऐसा है जो राणा के केस को प्रभावित करना चाहता है? जानेंगे हर सवाल का जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसका नंबर है जिस पर राणा ने बार बार कॉल किया है? आखिर है कौन ये? ओ बैंचो, ये तो नीरेश्वर बाबा का सीक्रेट नंबर है। नीरेश्वर बाबा और राणा, इन दोनों का आपस में क्या छोल है? शंभू, शंभू, मैंने कितनी दफा कहा है रोमिल तुझे कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर यहीं मिलेंगे। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर न गया, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय से अधिक और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जी, अब तुम जाओ। शंभू, शंभू, श्रुति को मेरा प्यार और आशीर्वाद देना। शंभू, शंभू, शंभू। नाम
सूरज कलर नीला नंबर 7 वत्स पर्ची उठाओ नाम सूरज रंग नीला नंबर 7 शंभु नीरेश्वर बाबा की जय नीरेश्वर बाबा की जय से बोलो नीरेश्वर बाबा की जय बाबा जी ये जो जादूगिरी आप दिखा रहे हैं ना इससे कुछ सिक्के जरूर बटोर सकते हैं लेकिन जो मेरे पास है वो रास्ता टकसाल तक जाता है चलें बाबा जी क्या सोच रहे हैं बाबा के ध्यान का समय हो गया है आप सभी कृपया करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए कैसा लगा मेरे पास क्यों आए हो पुलिस के पास जाते हैं बाबा हो लेकिन कर दी ना मूर्खों जैसी बात आदत नहीं गई तुम्हारी चवन्नी बिनने की मलिक रस्तोगी कैदी नंबर 367 मलिक रस्तोगी कौन हो तुम नाम है भास्कर लेकिन काम है कुंडली बनाना चूक गए ना जैसे तुम्हारी मैंने 20 साल पुरानी कुंडली सामने रख दी बना के वैसे ही मैं सरकार के ग्रह भी बदल सकता हूं कर लो जल्दी से नहीं तो पूरा विपक्ष मुंह मांगी कीमत देने के लिए एकदम तैयार खड़ा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सीएम ये सोचने लगे कि इतनी मेहनत के बाद भी देखो कैसे 6 महीने ही कुर्सी पर बैठ पाया जल्दी करो रस्तोगी रोमिल कुछ बड़ा होने वाला मैंने ग्रहों और नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया है सोचता हूं तुम जाओ जी और हां कुछ बात होगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा और ये तुम्हारा यहां आना जाना जो है वो ठीक नहीं है तुम सरकारी अफसर हो ठीक है जाओ जी धन्यवाद आयुष्मान भव शंभु बाबा जी आपका फोन हेलो कबूतर भेज रहा हूं पिंजरे में रखना बहुत काम आएगा शंभु डार्लिंग किसी
बाबू काणा ने किसी आदमी से आपको मिलने के लिए भेजा है। वो अपना नाम चीनू पंडित बता रहा है। संभो, बुलाओ उसको। जी। शंभो, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां तुम आराम से रह सकते हो। पुलिस तो क्या, यहां मिलिट्री भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरा सिस्टम यहीं नतमस्तक होता है। आराम से रहो। So enjoy your life. Swambhu, Swambhu, Swambhu. Jo chahiye yahin par milega. Dekhiye Baba ji, agar aise hi chalta raha to ye sarkar gir jayegi. Aur sarkar gir gayi to phir hamara contract ka kya hoga? Baba, maine ye soch kar us minister ko paisa diya tha कि मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा। अगर सरकार ही गिर गई फिर क्या होगा? बाबा जी, अगर आपके दरबार में हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो फिर हम कहां जाएंगे बाबा जी? देखो मान्यवर, सरकार और धंधा दोनों आप लोगों के हाथ। सरकार है तो धंधा है और धंधा है तो सरकार है। अब ये फैसला जल्दी ही आप लोगों को लेना है। स्वयंभो, स्वयंभो, स्वयंभो। सामने वाली पार्टी डील करने को बिल्कुल तैयार है। कहो तो नजारा दिखाऊं। अब बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हैं। जी बाबा। स्वयंभो, जैसा आप कहे बाबा। स्वयंभो, ये हमारी सेविका है। ये आपको बता देगी कि पैसे की लेन देन कैसे होगी और ओरिजिनल पेन ड्राइव कहां और कैसे आप लोगों को मिलेगी। स्वयंभो। ये समुंदर देख रहे हो, इस समुंदर की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया। और हमारा ये जो सिस्टम है, इस समुंदर से भी ज्यादा गहरा है। हम सब तो इसकी कठपुतलियां हैं। यहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और अब तुम्हारा समय आ गया है बड़ी मछली बनने का, समझे? स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। मछली नहीं बाबा जी, शार्क। आप तो बस आशीर्वाद दीजिए, बाकी अपनी मंजिल मैं खुद तय कर लूंगा। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। स्वयंभू, 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 स्वयंभू। अपना टाइम आने दे बाबा। चीनू इस समुंदर की गहराई भी नापेगा और तेरे इस सिस्टम की भी।
बताया भी नहीं। कौन हो तुम? अमिताभ बच्चन। अरे तुम यहाँ छुपी और मैं तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? देगी? फिलहाल इतना बता दे, बाबा किधर है? मुझे नहीं पता। चल जुट्टी, बता ना बाबा किधर है। मुझे सच में नहीं मालूम। बता ना बाबा किधर है। दूर रहो। ठीक है सर, एक फोन दे और वो पेन ड्राइव वो दे दे मेरे को। मैं नहीं दे सकती। देख, जब तक तू वो देगी नहीं, यहाँ से जाएगी नहीं। मेरे को तो कोई जल्दी है नहीं, मेरे घर पे ना बीवी है ना बच्चा है, तू तय कर। नहीं, मैं सच में नहीं दे सकती। देखो, मैं तुम्हें सब दे दूंगी, पर तुम वादा करो कि तुम मुझे यहाँ से सेफ ले जाने दो। बस इतनी सी बात दी। बॉस, बॉस को फोन करो, बॉस को। हेलो ईश्वर जी, मैं एक पैसेंजर था आपके पास भेज रहा हूँ, सेफ लैंडिंग कराना और सेफ पैसेज दे देना। पेमेंट? पेमेंट आ चुकी है। ओके, थैंक यू। लो जी, हो गया तुम्हारा काम। स्वयंभू स्वयंभू स्वयंभू। मैं भी ऐसा बेवकूफ हूँ, हैप्पी जर्नल बोलना तो भूल ही गए आपको। क्या? क्या? नहीं नहीं, हैप्पी जर्नी। स्वयंभू